Hello, welcome you all to Adobe Illustrator 2020 session number 13. So what we are going to learn in this session is how to create a visiting card in Adobe Illustrator 2020. So let's start the session now. So इस session में हम देखेंगे कि Adobe Illustrator में visiting card कैसे create करना है. तो उसके लिए हम new file से start करेंगे. So यहाँ पर file options में जाके new file, यहाँ पे हम प्रिंट कमांड दे देंगे और यूनिट्स कर देंगे इंचेस. साइज ऑफ विजिटिंग कार्ड इज़ जनरली 3.5 बाय 2 इंचेस. लैंडस्केप, सो ओके क्रिएटेड. सो अभी हमारे पास विजिटिंग कार्ड का साइज़ है, तो डिज़ायर्ड विजिटिंग कार्ड के लिए पहले हम टेक्स्ट टाइप कर लेंगे, जैसे कि नेम ऑफ द कंपनी. सो यहाँ पर मैं एक रैंडम नेम ले रही हूँ. ओके, सो इस तरीके से नेम ले लिया. अब इसके साथ ही रहेगा एक टैगलाइन, सो इस पर हम लिख देते हैं टैगलाइन. और टैगलाइन को हम अगर टेक्स्ट टाइप करते टाइम पे अगर हमने कैप्स लॉक नहीं रखा है, फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं रखा है, तो हम टाइप में जाके चेंज केस से इसको टाइटल केस में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा. सिमिलरली हम यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ द पर्सन, सो जिसके लिए भी हम ये विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं उस पर्सन का, सॉरी कमांड सेट. ऑल्ट से इसका एक कॉपी ले लिया, सिलेक्शन टूल. कंट्रोल ए, पर्सन्स नेम. फिर उसका डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन वॉट एवर इट विल बी. फिर हम इसका एक और कॉपी ले लेंगे ऑल्ट प्रेस करके, और यहाँ पर होगा कॉन्टैक्ट नंबर. ये हम कोई भी रैंडम नंबर ऐड कर रहे हैं. ओके, दिस इज़ द रैंडम नंबर. फिर यहाँ पे होगा एड्रेस लाइन, सो एड्रेस लाइन. ओके, सो हमारे पास पूरा कंटेंट है. इस कंटेंट को मैं यहाँ पे साइड में ले लेती हूँ. अब इस नेम को मैं फॉन्ट सिलेक्ट करके चेंज कर देते हैं. फॉन्ट चेंज करने से इसका लुक एंड फील काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा. सो मैंने इसका फॉन्ट सेलेक्ट किया, प्रोपोर्शन इंक्रीज कर दिया. इसके लिए भी मैं सेम फॉन्ट सेलेक्ट कर रही हूँ, और इसका प्रोपोर्शन जो है वो मैं छोटा रख रही हूँ. जस्ट प्रोपोर्शन के साथ प्ले कर रहे हैं, फॉन्ट सेम ही है. इस सारे टेक्स्ट के लिए हम आई ड्रॉप से सेम फॉन्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, बस उसका साइज़ जो होगा वो हम 9 पॉइंट रख देंगे. अब यहाँ पे पर्सन्स नेम के लिए भी मैं यहाँ पे और टाइप में जाके चेंज केस से इसको टाइटल केस में कन्वर्ट कर रही हूँ, जिससे कि हर वर्ड के फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल बन जाएंगे. अब इनका अलाइनमेंट चेंज करना है, सो दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, पैराग्राफ में गए, राइट साइड अलाइनमेंट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड हियर. और पर्सन्स नेम जो है वो प्रोपोर्शन में थोड़ा बड़ा रहेगा, इसलिए मैं उसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज कर रही हूँ. और डेजिग्नेशन का फॉन्ट साइज़ जो है वो मैं 8 पॉइंट पे रख रही हूँ. देन एड्रेस लाइन, इसमें फॉन्ट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको मैं ड्रैग डाउन करके नीचे ले लूँगी. और हो सके तो मैं एड्रेस लाइन को और फ़ोन नंबर को एक ही लाइन में रखूँगी, तो स्पेस से मैंने इनके बीच में स्पेस बढ़ा दिया, एक वर्टिकल बार ऐड कर दिया, और इस लाइन को मैं थोड़ा और नीचे की तरफ ड्रैग कर लूँगी. नाउ दिस ऑल शुड बी अलाइन टुगेदर. सो इन सब टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे अलाइन के ऑप्शन पे मैंने राइट साइड अलाइनमेंट में क्लिक कर दिया है. सो इसको
एकदम एज की तरफ भी नहीं रखना है, एज से थोड़ा अंदर रखना है टेक्स्ट को, जिससे कि जब भी कटिंग होगा इसका तो टेक्स्ट कट ना हो। अब मैं पेन टूल का यूज़ करूँगी टू फॉर्म दैट वेवी फॉर्म। अब यहाँ पे हम इस तरीके से उस फॉर्म को क्रिएट करते हैं और फील के कलर को हम जो है वो आउटलाइन में कन्वर्ट कर देंगे। फिर वापस पेन टूल सिलेक्ट किया, एक और वेव मुझको फॉर्म करना है, इंटरसेक्टिंग वेव जो होगा वो, और उसको भी थोड़ा कर्वनेस ऐड करके उसको यहाँ पे रख दिया। ओके, अब इन दोनों वेव्स का कलर जो है वो मुझको चेंज करना है, तो मैं एक वेव का कलर जो है वो रेड कर देती हूँ, इनर फील हटा के इस फील को ऊपर ले लिया एंड इसको हम ब्लू कर देते हैं। दीज आर द ट्रेंडिंग हेयर कलर्स, तो हमने इन दो कलर्स को यूज़ किया है। सो अभी हम जाएंगे ऑब्जेक्ट्स में, वी विल क्लिक ऑन ब्लेंड एंड मेक ब्लेंड। सो इस तरीके से ब्लेंड क्रिएट हो जाएगा। नाउ आई नीड टू स्पेसिफाई द स्टेप्स बिटवीन ब्लेंड, सो स्पेसिफाइड स्टेप्स प्रीव्यू ऑन, आई जस्ट मेंशन हियर 50 इफ इट इज़ ओके और नॉट। ओके, तो 50 इज़ ओके नंबर फॉर मी, सो विल क्लिक ऑन ओके। देन इसमें से हम टॉप मोस्ट जो लेयर है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसका पॉइंट साइज जो है इस स्ट्रोक का वो कम कर देंगे, 0.5 या फिर 0.25। ओके, सो इस तरीके से उसका पॉइंट साइज कम कर सकते हैं हम, चाहिए तो इसको और ट्विस्ट भी कर सकते हैं, साइज भी इसका इंक्रीज कर सकते हैं एंड अगेन इसको ट्विस्ट कर सकते हैं, प्लेसमेंट इसका मूव कर सकते हैं। इस तरीके से इसको प्लेस कर देंगे, जूम आउट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ। वापस इस शेप को मैं थोड़ा छोटा करूँगी, ओके, जिससे कि वो ज़्यादा वेवी लगे और थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाए। एक ही वेव को मैं मूव कर रही हूँ फिलहाल। सो इस तरीके से ये वेव फॉर्म हो गया। अब इन दो पॉइंट्स में जो गैप दिख रहा है वो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन पॉइंट से हटा दूँगी, इस वेव का नोड ऊपर तक खींच कर। सो नोड खींच लिया, कर्व ने थोड़ा सा मेंटेन किया। ओके, अब हम बाहर क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक करने से हमारा ये फॉर्म जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब इसका चाहिए तो हम शेप इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि ये एजेस जो है ये हमारे प्रिंट एरिया से बाहर चले जाएंगे। ठीक, शिफ्ट प्रेस करके कभी भी स्केल करना है, जिससे कि वो डिसप्रोपोर्शनेट ना हो। अब जो रिमेनिंग एरिया है मैं उसको ग्रे कलर से हाइड कर देती हूँ। इसके लिए मैं आई ड्रॉप से ये बैकग्राउंड कलर पिक कर रही हूँ और वापस शेप टूल से यहाँ रेक्टेंगल्स फॉर्म कर रही हूँ, जिससे कि मुझको मेरा सिर्फ प्रिंट एरिया दिखेगा। ओके, सो इतना ही एरिया प्रिंट होने वाला है, मुझको उतना ही एरिया विजिबल चाहिए। सो मैं इसके बैकग्राउंड में एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, अब इसको कंट्रोल एक्स से इसके पीछे रखना है, राइट? तो इस सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है क्लिक करके, क्लिक एंड ड्रैग, और कंट्रोल बी से उस ऑब्जेक्ट को इसके पीछे पेस्ट कर देना है। अब इसको मैं ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस ग्रेडियंट पे क्लिक करूँगी, लेकिन बिफोर दैट आई विल सिलेक्ट फिल ऑन टॉप एंड देन ग्रेडियंट। ओके, आफ्टर सिलेक्टिंग द ग्रेडियंट, वो ग्रेडियंट का जो डॉकर्स प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन आई विल क्लिक ऑन दिस नोड एंड आई ड्रॉप टूल, आई विल सिलेक्ट द फर्स्ट लाइन ग्रेडियंट। ओके, देन आई विल गो फॉर दिस एंड आई विल सिलेक्ट द लास्ट लाइन ग्रेडियंट। ओके, देन आई विल गो फॉर दिस एंड ज़ीरो। ओके, एक साइड से मैंने उसका ओपेसिटी जो है वो ज़ीरो कर दिया है और दिस साइड आई कैन लाइक कट इट डाउन टू 90 और
स्टिल इट इज़ नॉट ओके देन 80 ऑल्सो। तो ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ सारे टेक्स्ट को, और सारे टेक्स्ट का कलर एक साथ वाइट कर रहे हैं जिससे कि उसको विजिबिलिटी आ जाएगी। आई विल सिलेक्ट दीज टू, थोड़ा सा नीचे लिख जाए, उसका साइज़ जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, और टैगलाइन का साइज़ चाहिए तो नीचे छोटा छोटा भी हो सकता है, और उसका कलर भी अगर चाहिए तो चेंज हो सकता है। जस्ट टू चेंज द रीडिंग फ्लो, हमने उसका साइज़ और जो फ्लो है वो चेंज कर दिया है। अगर मुझको चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट भी कर सकती हूँ। अभी भी हमें चाहिए तो इस शेप को हम थोड़ा और ट्विस्ट करके जो उसका स्प्रेड है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरीके से उसका स्प्रेड इंक्रीज़ हो सकता है। ऐसा कुछ इफ़ेक्ट हमें दिखेगा। अगर चाहिए तो हम इन वेव्स को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से। देन इंक्रीज द वेव, पेन टूल से मैं यहाँ पर एक नोड ऐड कर रही हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन से उसको ड्रैग कर रहे हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर नए वेव्स भी ऐड कर सकते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स भी हो सकता है लाइक दिस, या फिर अगर वो सही नहीं लग रहा है तो बस इतना ही रख के भी हम उसको फिनिश कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट विल लुक। ये हमारा विजिटिंग कार्ड रेडी है। इसको सेव करने के लिए हम फाइल, सेव एज, सेव एज, शर्ट आउट, राइट हियर एज, सेव इट एज इलस्ट्रेटर। ओके, सो इलस्ट्रेटर फॉर्मेट में सेव करते टाइम पे यहाँ पे आपको वर्जन्स मिलते हैं, तो आप इसमें से किसी भी ओल्डर वर्जन में उसको सेव कर सकते हैं, लेकिन आपका जो इंस्टॉल्ड वर्जन है इससे कोई भी एडवांस वर्जन में आप उसको सेव नहीं कर सकते। तो आप जो सेव्ड, मतलब आपका जो भी इंस्टॉल्ड वर्जन है उससे किसी भी लोएस्ट वर्जन में आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं अभी के लिए जो इंस्टॉल्ड वर्जन है उसी में रखूँगी इसको। ओके, प्लेस कर दिया। अब ये इलस्ट्रेटर फाइल जो है वो सेव हो गया है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं एज अ इमेज। तो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, एंड देन यहीं पे सेम फोल्डर में हम इसको रखेंगे। अब इसको मैंने नेम दे दिया विजिटिंग कार्ड। और यहाँ पे हमने इसको जेपीजी फॉर्मेट में रखा। यूज़ आर्टबोर्ड्स एंड रेंज 1, जिससे कि सिर्फ आर्टबोर्ड एरिया ही एक्सपोर्ट होगा। एंड एक्सपोर्टेड, ओके, CMYK 300 PPI, प्रोग्रेसिव स्कैंस 3, सेव्ड। सो जब भी हम इस फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पर हमारा विजिटिंग कार्ड का इमेज जो है वो रेडी है। सो व्हाट वी लर्न टुडे इन आर Adobe Illustrator 2020 सेशन 13। सो वी लर्न हाउ टू क्रिएट अ विजिटिंग कार्ड इन Adobe Illustrator 2020। उसमें हमने देखा कि विजिटिंग कार्ड का साइज़ क्या होता है, उस आर्टबोर्ड को कैसे सिलेक्ट करना है, उसमें हमने बैकग्राउंड्स कैसे प्लेस करना है, टेक्स्ट प्रपोर्शंस कैसे होते हैं, क्या कंटेंट होना चाहिए विजिटिंग कार्ड में, किस तरीके से हम एलिमेंट्स को, रिलेवेंट एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं टू मेक ए विजिटिंग कार्ड मोर अपीलिंग, और इस तरीके से ऑल टुगेदर एक विजिटिंग कार्ड का लुक एंड फील कैसा होना चाहिए, ये आज हमने देखा। थैंक यू।